फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर फैटोवर स्पिरिचुअलिटी और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो रेकी का जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आपसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रेकी के पावर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं या जब दूसरे की भी जब टच हीलिंग्स कर रहे हैं या उसके चक्र का हीलिंग्स कर रहे हैं, तो आप एफर्मेशंस डाल सकते हैं। एक तो तरीका होता है एफर्मेशन का, जो कि मैंने आपको उसमें बताया था कि आप पर्टिकुलर चक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपका स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप सेक्रल चक्र पे उस चीज़ से रिलेटेड एफर्मेशन डाल रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी 7 मेन चक्र के 7 स्टैंडर्ड एफर्मेशंस जो आप हीलिंग के दौरान अपने मन मन में दोहरा सकते हैं। और जब आप उस चक्र पे अपना हैंड रख रहे हैं और हीलिंग दे रहे हैं, उस समय अगर आप वो एफर्मेशंस बोलते हैं तो हीलिंग के पावर काफ़ी बढ़ जाते हैं, आपके चक्रास बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं, चक्रास में एनर्जी बहुत अच्छे से हो जाती है और आपके ऑरा की एनर्जी भी बढ़ती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रूट चक्र की। रूट चक्र जो होते हैं हमारे बेस ऑफ स्पाइन में लोकेटेड होता है और कॉरस्पॉन्ड करता है कलर रेड से, रेड कलर से कॉरस्पॉन्ड करता है, हमारे फिजिकल कंफर्ट्स का होता है। रूट चक्र के बारे में मैंने और भी जगह बताया हुआ है, उसके लिंक्स मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो चक्र होता है हमारा बेसिकली सर्वाइवल, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी का होता है। तो इसके लिए जो एफर्मेशन आप डाल सकते हैं, मैं बोल रही हूँ आप ध्यान से सुन लीजिए, आप दोबारा इसको रिपीट करके सुन सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, फ्री इंफॉर्मेशंस एंड फ्री हेल्प जो है वो वीडियोस में अवेलेबल है, अगर आप अलग से बात करेंगे तो कंसल्टेशन चार्जेस अप्लीकेबल होगा। तो रूट चक्र के लिए क्या एफर्मेशन आप बोल सकते हैं, रूट चक्र की एफर्मेशन है, आई एम अ डिवाइन बींग ऑफ लाइट एंड आई एम पीसफुल प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर। आई एम अ डिवाइन बींग ऑफ लाइट एंड आई एम पीसफुल protected and secure. Basically, when you feel protected and secure and connected to the earth energies, your root chakra will enhance the energies and you will get all the benefits related to the root chakra. So now talking about the sacral chakra, sacral chakra corresponds to our emotional feeling, sexuality, and it also corresponds to the color orange. So what is the affirmation of sacral chakra? Sacral chakra ka affirmation hai, I am radiant, I am beautiful and strong. Enjoy a healthy and passionate life. क्योंकि sacral chakra emotions से related होता है, so I am radiant, I am beautiful. You have to feel that you are radiant and you are beautiful. You are strong and you are enjoying a healthy and passionate life. क्योंकि life की तरफ passionate होना और एक healthy life हर कोई enjoy करना चाहता है। Now coming back to the solar plexus chakra. So coming next to the solar plexus chakra. So solar plexus chakra corresponds to the yellow color. And it is located at the navel. हमारे navel से just above navel पे located होता है और हमारे stomach area से directly connected होता है और bright yellow color होता है इसका। तो इसका affirmation है, I am positively empowered and successful in all my ventures. Because solar plexus हमारा खाली stomach area से related होता है लेकिन हमारे energy का स्रोत होता है और कई बार हमारे business में problems इसलिए भी आती है कि energies यहाँ पे stuck हो जाती है या properly flow नहीं कर रही होती है। So you are, I am positively empowered and successful in all my ventures. So now coming next to the heart chakra. So heart chakra connects to the lower chakras and the upper chakras. It's a chakra of unconditional love and it corresponds to the color green. So when you are putting an affirmation for the heart chakra, so heart chakra ka affirmation hai, love is the answer to everything in the life and I give and receive love effortlessly and unconditionally. So you have to put an affirmation that love is the answer to everything in the life. Jo love hai wo जिंदगी में हर सवाल का जवाब है और मैं इजीली लव एफर्टलेसली और इजीली अनकंडीशनल लव रिसीव भी कर रही हूँ और आगे भी दे पा रही हूँ। सो लव इज द आंसर टू एवरीथिंग इन लाइफ एंड आई गिव एंड रिसीव लव एफर्टलेसली एंड अनकंडीशनली। सो नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द थ्रोट चक्रा, इट्स हमारे विल पावर का, कम्युनिकेशन का होता है, एक्सप्रेशन का होता है एंड इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द लाइट ब्लू और द ब्लू कलर। So affirmation for throat chakra is my thoughts are positive and I always express myself truthfully and clearly. Because expression का होता है, आपने देखा होगा कई लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं या कई लोग बोलते हैं तो उनको खुद को नहीं समझ में आता, बहुत ज़्यादा बोलते जाते हैं, express नहीं कर पाते basically. So you have to put an affirmation that you are able to express clearly, truthfully and honestly and your thoughts are positive. So third eye chakra is a chakra of mental balance and the psychic power center. So third eye chakra corresponds to emotions, attaining self-realization, having an intuitive clarity and it is between our eyebrows. So iska affirmation hai, I am tuned into the divine universe wisdom and always understand the true meaning of the life situations. I am tuned
into the divine wisdom of the universe and always understand the true meaning of the life situations. मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ इन affirmations को, आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको. क्राउन चक्र जो है वो हमारे ठीक हेड से ऊपर होता है. ये जो यहाँ पे अगर आप फिंगर्स रखेंगे तो यू विल फील कि यहाँ पे एक वार्म स्पेस है जहाँ से एनर्जी जा रही है. दैट इज अ क्राउन चक्र सेंटर जहाँ से एनर्जी फ्लो करती है और ये डायरेक्टली हमारे डिवाइन एंड यूनिवर्स से कनेक्ट करता है. इसका इन्फॉर्मेशन है आई एम कम्प्लीट एंड आई एम वन विद द डिवाइन एनर्जी. आई एम कम्प्लीट एंड आई एम वन विद द डिवाइन एनर्जी. सो चक्रा इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो एक बेसिकली बहुत अच्छा स्पिरिचुअल बैलेंस हमारे लाइफ में लेकर आते हैं. और जब हम सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, खासकर कि जब हम चक्रा हीलिंग भी कर रहे हैं और उस समय अगर हम ये इन्फॉर्मेशन मन में डालते हैं तो दो चीजें होती है. एक तो इन्फॉर्मेशन चक्रास को पावर देती हैं, उसको और जल्दी क्लियरिंग करने में और चार्जिंग करने में करती हैं, आपकी हीलिंग को फास्ट करती हैं, आपके ऑरा की एनर्जी को बढ़ाती है. दूसरा आपका फोकस भी बना रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि जब मैं रेकी कर रही हूँ तो मेरा फोकस नहीं बन पा रहा, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, मैं क्या सोचूं उस टाइम पे. आप ये एफर्मेशन बोलकर उन एफर्मेशन पे कंसंट्रेट कर सकते हैं. आई होप आपको चक्रा एफर्मेशन पसंद आए होंगे और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरे वीडियोस क्या कैसे लग रहे हैं, आपको इनसे कितना फायदा हो रहा है, ताकि मैं और टॉपिक्स पे लाऊं. आप लोग टॉपिक्स भी मेंशन कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं. चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप कर, ताकि और भी लोगों का बेनिफिट हो. और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, फ्री रेमेडीज आर अवेलेबल ऑन द वीडियो, बट इफ यू वांट टू टॉक एंड इफ यू वांट टू बुक अ कंसल्टेशन, देयर आर द पेड चार्जेस एप्लीकेबल. थैंक यू सो मच. आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज़.